Hello everyone, in today's video we will solve exercise 1.2. Before that, let's know about irrational numbers. What are irrational numbers? A number s is called irrational if it cannot be written in the form p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ऐसा नंबर जिसको p और q की फॉर्म में नहीं ले सकते उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर. p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. q अपना 0 नहीं होना चाहिए. ओके, तो दीज आर द इरेशनल नंबर्स. तो इसके एग्जांपल्स ले इरेशनल नंबर के, देन वी कैन से रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12, पाई एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स. ये इरेशनल नंबर क्यों है? ऐसे सभी स्क्वायर रूट जिनको अपन सोल्व नहीं कर सकते, लाइक रूट 4. रूट 4 है, अपने को पता है 2 का स्क्वायर होता है. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2. तो ये तो होते हैं अपने इरेशनल नंबर्स में आते हैं. दीज आर रेशनल नंबर बिकॉज दीज नंबर्स कैन बी रिटन एज p over q, where p is 2 and q is 1. This number is rational number. And these numbers are irrational number. मतलब जिसके square root नहीं निकाल सकते अपन direct, उनको बोलते, वो सारे square root किस में होंगे? Irrational number में. एक pi, pi is also an irrational number. Okay? We will talk about irrational number later on. Let's start our exercise 1.2. Let's solve question number first of exercise 1.2. Question is, state whether the following statements are true or false, justify your answer. अपने को बताना है कि statement true है या फिर false है. First statement, every irrational number is a real number. क्या बोला? Every irrational number is a real number. पहले वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ मैं, रियल नंबर्स इंक्लूड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स. रियल नंबर इंक्लूड रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. रेशनल और इरेशनल टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर्स. तो और स्टेटमेंट क्या है अपना? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. मतलब सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं. तो हैं, क्योंकि रियल नंबर बनता ही रेशनल और इरेशनल नंबर से है. ठीक है, तो स्टेटमेंट, आवर स्टेटमेंट इज ट्रू. रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट इरेशनल नंबर्स. ओके, रीजन क्या लिखा? क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर. देखो, नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स से मतलब इनका जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स को स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे 0 है तो 0 को अपन स्क्वायर रूट ऑफ 0 लिख सकते हैं, 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड 3 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 9. And suppose that here is number 1.5. This can be written as square root of 2.25. 2.25 का square root निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ सम नेचुरल नंबर. ठीक है, इन सभी नंबर को अपन किसी न किसी नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में लिख सकते हैं. और जहाँ पे वो नंबर कैसा होगा? नेचुरल नंबर. मतलब स्क्वायर रूट किसका होना चाहिए? नेचुरल नंबर का. तो 1 नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट 1 होता है, यहाँ पे है. 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है,
इसको 2 को अपन स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं, 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख सकते हैं, बट ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको अपन स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, इनको स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स की वजह से ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स, बिकॉज रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, m इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। m क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और तो किसी भी नेगेटिव नंबर्स को अपन स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में नहीं ले सकते, पॉजिटिव नंबर को ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लाइक 5 है तो 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो रियल नंबर के अंदर आते हैं इरेशनल और रेशनल नंबर, ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू होगा। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, वो भी ट्रू होगा, बट ऐसे नहीं बोल सकते ना एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर थोड़ी हो सकते हैं, इरेशनल रेशनल नंबर भी तो होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। और अपन यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज इसने क्या बोला, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। रीजन लिखे हैं, बिकॉज रेशनल नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल भी होंगे ना, तो रेशनल नंबर इरेशनल में थोड़ी आते हैं, वो तो अलग चीज़ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या बोला है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होते हैं, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज नॉट दैट इज ए रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो अपने को एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि एक ऐसे नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होता है। ओके, चलो तो देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, इरेशनल। ये क्या बोल रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, यस और नो में आंसर देना है। तो देखो ध्यान से, ये तो इरेशनल है, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 एंड दिस इज रेशनल नंबर। तो अपन नहीं बोल सकते ना कि सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है, नहीं बोल सकते, रेशनल भी होते हैं कुछ के, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अपना आंसर आएगा नो, आंसर क्या आएगा, नो, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, सभी के सभी इरेशनल
नहीं होते, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा तो नहीं है, तो अपने को क्या देना पड़ेगा, एक एग्जांपल देना पड़ेगा। तो एग्जांपल दे सकते हैं अपन, रूट फोर इज इक्वल टू टू इज ए रेशनल नंबर। रूट फोर है वो कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज सो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। रूट फाइव है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ध्यान से। पहले पाइथागोरस थ्योरम पहले ही पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटनस, और हाइपोटनस कौन सा होता है, अपोजिट टू द 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। हाइपोटनस इनमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखो, अगर बेस को टू यूनिट्स ले लें एंड परपेंडिकुलर वन यूनिट, तो क्या होता है, देखो ध्यान से। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इज टू स्क्वायर प्लस ए बी इज वन स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस वन एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव, देन ए सी इज इक्वल टू रूट फाइव, ठीक है। ए सी स्क्वायर की वैल्यू फाइव है, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि अपन पाइथागोरस थ्योरम से अगर बेस टू ले और परपेंडिकुलर वन ले, देन जो हाइपोटनस होगा वो अपना स्क्वायर रूट ऑफ फाइव होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। अब ये जो लेंथ है ये अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए नंबर लाइन यूजिंग स्केल, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल का यूज़ करके, बीच में ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन, ओके। नाउ ये हो गया अपना बेस, बेस कौन सा हो गया, बी सी, ठीक है, बेस हो गया बी सी, चलो यहाँ पे ओ बी रहने दो, ठीक है। ये अपना हो गया बेस, कितने यूनिट हो गया ये, टू यूनिट। यहाँ पे अब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, वी हैव टू मेक 90 डिग्री एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर, ओके। प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और ये लेंथ स्केल से वन यूनिट ले लेंगे, ये वाली लेंथ कितनी लेंगे, वन यूनिट। एंड देन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को वी हैव टू मीट दीज टू पॉइंट्स, देन दिस लाइन द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, बिकॉज वी हैव टेकन टू यूनिट्स एज बेस एंड वन यूनिट एज परपेंडिकुलर। बेस अपन ने टू यूनिट लिया, परपेंडिकुलर वन यूनिट लिया, तो जो ये लेंथ है फिर हाइपोटनस की ये कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, मीन्स दिस लेंथ ओ ए इज रूट फाइव, दिस लेंथ इज रूट फाइव। तो लास्ट में एक चीज़ और करनी है, प्रोटेक्टर लेना है, एक पॉइंट यहाँ पे रखना है शार्प पॉइंट और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रखना है एंड देन आर्क लगा देनी है, यहाँ से ऐसे आर्क लगा देंगे। नाउ दिस पॉइंट डी, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, रूट फाइव। प्रोटेक्टर को यहाँ लाएं तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, रूट फाइव। नाउ ओ डी इज इक्वल टू रूट फाइव यूनिट्स, अपना ओ डी कितना होगा, रूट फाइव यूनिट्स। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, रूट फाइव को नंबर लाइन पे डिनोट करना था, रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो रूट फाइव को कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे डिनोट, कैसे करेंगे, बेस टू ले लें और परपेंडिकुलर वन, तो उसका हाइपोटनस कितना आएगा, रूट फाइव। सेम चीज़ 0, 1, 2 ऐसे नंबर लाइन बना दी, टू यूनिट्स अपन ने बेस लिया एंड वन यूनिट परपेंडिकुलर लिया, तो अपन ने फिर ये बन गया जो अपना हाइपोटनस आया वो कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। कंपास का यूज़ करके
इसको यहाँ पे मिला दिया नीचे, ठीक है। तो ये अपना हो गया OD, OD की लेंथ कितनी होगी, रूट 5 यूनिट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।